हेलो स्टूडेंट, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से देखिएगा, इसको अच्छे समझिएगा। बाकी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अदरवाइज यदि आपको और जल्दी आंसर चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से जाकर आपको वहाँ पर थोड़ा सा और फास्ट आंसर मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप चाहे तो लिख के, अदरवाइज आप उसका पिक लेके मुझे आप सेंड कर सकते हो पर्सनली, ठीक है, तो वहाँ पर आपका आंसर थोड़ा सा और हम जल्दी दे देंगे, ठीक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी, वहां से जाके आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अ वर्टिकली टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकली फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप्स ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस, ठीक है। तो बाय फिगर हम इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमने माना है एक टावर है, ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये एक टावर है। इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है यहाँ से, ठीक है, जिसकी हाइट आपको दे रखी है एच, इसको हमने मान लिया सी, तो बी सी हमारा क्या हो गया, फ्लैग स्टाफ हो गया, ठीक है। तो ये ग्राउंड के साथ जो फ्लैग स्टाफ का बॉटम के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फ़ा, और जो टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है हमारा बीटा, ठीक है। तो आपको अब यहाँ की हाइट तो दे रखी है, तो और आपको क्या करना है, जो ए बी हमारा टावर है ना, ये हमारा टावर हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा फ्लैग स्टाफ हो गया, ठीक है। तो ये जो इसकी हाइट है आपको टावर की, आपको ये बतानी है कि इसकी हाइट जो है वो एस टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमको जो दे वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, लेट ए बी बी द टावर एंड बी सी बी द फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट एच, यूनिट आप कुछ भी लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपको दे रखी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक करके हम यहाँ पे ट्रेंगल में काम करेंगे, ठीक है, इसको हम नाम दें ए बी सी, इसको नाम दे दीजिए फॉर एग्जांपल डी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रेंगल में काम करते हैं, हमने मान लो ट्रेंगल ले लिया ए बी डी यहाँ पे, तो काम करेंगे नाउ इन ट्रेंगल ए बी डी। ए बी डी हम यूज़ करते हैं, टेन यूज़ करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर बेस में हम काम करेंगे, तो टेन सबसे पहले यहाँ पर बन रहा है अल्फ़ा, ठीक है। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ए बी, और बेस क्या है हमारे पास ए डी, ठीक है। अब टेन अल्फ़ा, अब देखो ए डी क्या है हमारे पास, इस टावर के लिए भी और हमारा फ्लैग स्टाफ है उसके लिए भी कॉमन रहे, तो हम क्या करते हैं यहाँ से ए डी की वैल्यू निकालते हैं, तो ए डी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए बी अपॉन टेन अल्फ़ा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बड़े वाले ट्रेंगल में काम करते हैं, नाउ इन ट्रेंगल ए डी सी में हम काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे एंगल हो जाएगा हमारा टेन बीटा, और हमारी जो साइड हो जाएगी पूरी हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी, और यहाँ पे हो जाएगा ए डी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो टेन बीटा, टेन बीटा लिखा ए सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए बी, और यहाँ पे एच हो जाएगा, ए बी प्लस एच लिख सकते हैं यहाँ पे, और ए डी की जहाँ पर हमने ए डी रहने दिया, यहाँ से भी हम ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और यदि ए डी की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं तो ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए बी प्लस एच अपॉन टेन बीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसको, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड अपने से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आगे देख लीजिए आप, तो हमने बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल टू में यहाँ पे लिख लिया हमने, तो ए बी टेन अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ए बी प्लस एट टेन बीटा, ठीक है। तो दोनों के राइट हैंड साइड हमने इक्वल टू में यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, आपको इसको देखो वैसे के वैसे रहने दिया हमने, इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया, ए बी अपॉन टेन बीटा प्लस एच अपॉन टेन बीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब हमने ए बी वाली टर्म को एक तरफ ले गए, ए बी अपॉन टेन अल्फ़ा, ये इधर आगे किस में आ गया माइनस में, ए बी अपॉन टेन बीटा इक्वल टू एच अपॉन
टेन बीटा हमारा यहाँ पे पहले से लिखा रहा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमने क्या किया, वन अपोन टेन अल्फा माइनस वन अपोन टेन बीटा, इसमें से हमने क्या किया, ए बी को हमने कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे एच अपोन टेन बीटा हमारा लिखा चल आ रहा है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन बीटा का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा का इधर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन अल्फा, वो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, और यहाँ पे क्या है हमारा, ए बी मल्टीप्लाई में है और ए अपॉन टेन अल्फा, ये हमने वैसा के वैसा लिख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी थिंग है, ए बी हम यहाँ पे यहीं रहने देते हैं, ये भी देखिए मैंने ए बी का ए बी लिख लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, एच यहीं पे आ, ये जो नीचे डिवाइड में है इधर आगे किस में हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो टेन बीटा था हमने वैसा के वैसा लिखा, वो जो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा है वो इधर आके किस में हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। देखो तो डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में होगा और ये मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये चीज़ हो जाती है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो टेन बीटा मल्टीप्लाई का और ये टेन बीटा मल्टीप्लाई का कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या एच और यहाँ से बचा टेन अल्फा और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ठीक है। तो ये ए बी हो गया। अब ए बी क्या था हमारा, देखो यहाँ पे ए बी क्या हमारी टावर था, तो टावर की आइटम को एस टेन अल्फा अपन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा करनी थी, तो देखो हमने यहाँ पे एस टेन अल्फा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा हमारी हाइट हो गई, ठीक है। तो हैंस करके हम लिख सकते हैं कि हैंस हाइट ऑफ टावर है ना इस कितनी हो गई हमारे पास, एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ठीक है। तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।